कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और देखिए, सुबह उठते ही काम शुरू हो गए हैं। आटा मैंने लगा लिया है, चाय बनकर तैयार है, और बच्चों के लिए दूध गर्म रख दिया है। अब उठाती हूँ उनको, क्योंकि सुबह सुबह वो उठने का नाम ही नहीं लेते। रात को तो खेलते रहते हैं दोनों बहन भाई, मस्ती करते रहते हैं, और सुबह उनकी आँख नहीं खुलती। तो अब 15-20 मिनट तक उनके पीछे लगी रहूंगी, तब तो वो कहीं जाके उठेंगे। तो उठा रही हूँ अब अंशु गुड्डू को। तो जी, बच्चे चले गए हैं स्कूल और अब करते हैं अपनी रसोई साफ, क्योंकि आज मैंने सुबह ही कर लिया था कि मैं रसोई साफ़ करूंगी। और अभी तो मैं जो मेरा रोज़ का काम है साफ़ सफाई का, वही करूंगी, क्योंकि रसोई में तो बहुत देर लग जाएगी। पहले मैं खाली कर लेती हूँ रसोई को, सारी रसोई को खाली करने के बाद ही फिर जो आज के बर्तन है वो साफ़ चुप करके तब फिर मैं बाकी का काम करूँगी। और बोतल धो दी है मैंने, क्योंकि बोतल में रोज़ धो के ही भरती हूँ सारी, क्योंकि बच्चे पीते हैं, पानी पीते हैं तो चिकने विकने हाथ लगा देते हैं, तो बोतल में रोज़ाना ही धोकर फिर भरती हूँ। और मैंने सोचा कि चलो आज अब कर लें सफाई, क्योंकि फिर त्यौहार आने वाले हैं सारे, क्योंकि शनिवार की तो अमावस्या हो जाएगी, फिर नवरात्रे शुरू हो जाएंगे और शर्मा जी को सुबह 3 बजे जाना भी है संडे को। तो साफ़ सफाई मेरा आज का ही दिन मेरे को बेस्ट लगा कि आज के ही दिन रसोई की साफ़ सफाई करी जाए, तो मैं आज रसोई साफ़ करूँगी। बाकी सारा घर तो हमारा साफ़ ही है, क्योंकि पिछले महीने जब हमने मैट बिछाई थी तो बाकी घर तो हमने साफ़ कर दिया था, क्योंकि सारी जगह मैट बिछाई थी तो बेड वगैरह सारी करके ही इधर उधर करे थे, सामान सेट किया था। मैट हमने अभी पिछले महीने ही बिछाई है तो घर इतना बाकी गंदा नहीं है। रसोई साफ़ नहीं करी थी, बस रसोई रह रही थी। तो अब त्यौहार भी आने वाले हैं, इस वजह से मैंने फिर सोचा कि आज का ही दिन सबसे अच्छा है रसोई साफ़ करने का, तो आज रसोई साफ़ करती हूँ। बाकी आज का तो अभी तो मेरा अभी के ही बर्तन इतने हैं कि अब के ही बर्तन साफ़ कर रही हूँ, और बर्तन साफ़ कर लिए हैं मैंने अब के, और अब उतार रही हूँ मैं। अब अपना मेन काम जो मेरा है वो मैं करने को तैयार हूँ। पहले मैं पूरी रसोई को खाली करूँगी, क्योंकि आज सारे डब्बे वगैरह, आज चम्मच वगैरह तो सब कुछ धोना है, आज सब कुछ साफ़ करना है। और मेरे से ये नहीं होता कि एक डब्बा धो के फिर उसको डाल दे उसमें मसाले वसाले, मैं पूरी एकदम से खाली रसोई करूँगी और उसके बाद ही मैं साफ़ करती हूँ। तो अब करते हैं पूजा, क्योंकि आज रसोई में तो सारा ही दिन लगेगा, और इसलिए मैंने सोचा कि पहले नहा धो के पूजा ही करी जाए। और शर्मा जी को भी चाय देनी है तो पूजा करके फिर शर्मा जी को चाय दे के और फिर रसोई में लगूंगी, क्योंकि रसोई में तो आज मेरे को पूरा ही दिन लगने वाला है। और ये मैं आ गई हूँ रसोई में, शर्मा जी को चाय मैंने दे दी है। और कहते हैं ना कि रसोई घर में मान पूर्णा का वास होता है, तो इसलिए रसोई की साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे घर में अन्न धन के भंडार भरे रहें। और माँ लक्ष्मी के लिए इसलिए साफ़ सफाई की जाती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी बुरी जगह में, गंदी जगह में नहीं आती, और इसलिए घर की साफ़ सफाई करनी पड़ती है। कर रही हूँ, बाकी तो गैस मैं डेली साफ़ करती हूँ, लेकिन जो गैस का जो अंदर का हिस्सा है उसको मैं रोज़ाना साफ़ नहीं करती हूँ, 3-4 महीने में एक बार साफ़ करती हूँ। तो आज गैस को भी अच्छे से ही साफ़ करूँगी, और टाइलें भी, कपड़ा तो डेली मारती हूँ, पर आज साबुन नहीं, सर्फ़ लिया है मैंने, सर्फ़ का यूज़ करके, क्योंकि कितना ही आप रोज़ाना साफ़ कर लो थोड़ी बहुत, फिर भी चिकनी रहे। रसोई का काम तो रसोई का ही है, सब्जी वगैरह बनाते हैं, तेल का तो काम होता ही है, फिर भी कितने ही साफ़ कर लो डेली टाइलें गंदी हो जाती हैं। और आज टाइलों भी को भी मैं निरमा लगा के साफ़ करूँगी। और ये देखिए, मैं चूल्हा साफ़ कर रही हूँ, मैंने बोला था कि मैं चूल्हे को ऊपर से साफ़ कर देती हूँ, बाकी अंदर से 3-4 महीने बाद ही करती हूँ। और ऊपर का जंगला अब साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इतना ऊपर तक रोज़ रोज़ तो जाके साफ़ सफ़ाई होती नहीं है, नीचे नीचे से ही साफ़ सफ़ाई कर देती हूँ। तो आज दिवाली की सफ़ाई है, जो स्पेशल सफ़ाई है, और ये जंगले वगैरह ऊपर तक, चिकनाई तो जाती है, आप रोज़ाना कितना ही साफ़ कर लो फिर भी चिकनाई तो जाती है। तो आज थोड़ा बारीकी से और नज़दीकी से साफ़ सफाई कर रही हूँ। रैक भी धोऊंगी अभी, क्योंकि और रैक में तो बहुत ही ज़्यादा देर लग रही है, और रैक साफ़ करने में मेरा हाथ भी कई बार कट गया, क्योंकि जो इसकी एक एक पाइप है वो एक एक करके ही साफ़ करनी पड़ती है, और इसके चक्कर में मेरा कई जगह से हाथ भी कट गया है रैक साफ़ करने में। और जितनी जल्दी जल्दी आपको मैं सफाई करती दिख रही हूँ, शायद इतनी जल्दी सच में ही होती साफ़ सफाई, तो फिर थकावट भी नहीं होती और साफ़ सफाई भी जल्दी हो जाती, क्योंकि साफ़ करने में, एक एक चीज़ साफ़ करने में बहुत ज़्यादा देर लगती है। ये तो इतना तब है कि रोज़ साफ़ सफाई किचन में होती है। और अब कर रही हूँ मैं बर्तन साफ़, और पूरा सिंक भरा पड़ा है, एक एक बर्तन साफ़ करने में बहुत टाइम लग रहा है, और आज तो बिल्कुल हाथ कट गए हैं मेरे बर्तन साफ़ करते करते,
क्योंकि सुबह के जो डेली के बर्तन थे वो तो थे ही थे, और आज तो पूरी रसोई के ही बर्तन साफ़ करने हैं और बहुत ज़्यादा हो गए। वैसे तो डब्बे रोज़ ही साफ़ करती हूँ, साफ़ कर करके ही रख देती हूँ, पर आज जो ये खाली पूरे सारा खाली करके सामान सारे डब्बों का, और फिर मैंने धोए हैं ये, और अब मैं धो रही हूँ ये डब्बे। और फिर डब्बे साफ़ करने के बाद स्लैब मैंने खाली इसीलिए कर दिए पूरे, पहले मैंने दोनों स्लैब और रैक इसीलिए साफ़ किया है ताकि मैं डब्बे साफ़ करूं तो स्लैब पे फिर डब्बे रखने की जगह बन जाए, वरना फिर डब्बे में कहाँ रखती, स्लैब गंदी स्लैब पे तो धुले हुए डब्बे रख नहीं सकती थी, तो इसलिए स्लैब मैंने पहले ही साफ़ कर लिया, अपनी क्लीन कर लिए एकदम से, ताकि मैं ये डब्बे धो धो के और रख दूँ, क्योंकि इस पूरी स्लैब पर डब्बे ही डब्बे होने वाले हैं, इतने डब्बे खाली हुए हैं। तो डब्बे अब लगभग साफ़ हो ही गए हैं और मैंने नीचे टब में रख लिए सारे, क्योंकि वो इनको मैं सूती कपड़े से पूछ कर फिर इनमें मसाले डालूंगी, क्योंकि अगर इनको सूखने के लिए रख दूंगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने सूती कपड़े से इनको पूछ के फिर इनमें अभी मसाले डाल के और अभी जचा दूंगी। और मैं अब मसाला जचाने डालने लग गई हूँ डब्बों में, क्योंकि ये मैंने थैलियों में रख दिए थे सारे डब्बों के जो सामान मैंने निकाला था वो मैंने थैलियों में डाल डाल के रख दिया था, और अब वापसी डब्बों में डाल के इनको वापसी ऊपर रख दूंगी। और अब मैंने टंकियां भी नीचे खाली करी हैं जो टंकियों में सामान था, क्योंकि सारा सामान तो हम डब्बों में भी नहीं डाल के रख सकते, तो ज़्यादा सामान हो जाता है, क्योंकि चीनी चावल वगैरह जो इकट्ठे मंगाते हैं, बेसन वगैरह, तो उनको डब्बों में तो इतना डाल डाल के नहीं रख सकते, बाकी जो बचता है वो मैं टंकी में डाल के रख देती हूँ। और ये अब मैंने बाल्टी भी खाली कर दी है, क्योंकि काफ़ी सामान हो जाता है रसोई का, सारे सामान तो हम डब्बों में भी नहीं रख सकते। और ये मैंने देखिए क्लीनिंग कर ली है सारी, और अब मैं थोड़ा थोड़ा सामान बचाने लग गई हूँ। और ये देखिए मैंने डब्बे रख दिए हैं मसाले भर के, और आप बताना ये कैसी हुई है साफ़ सफ़ाई डब्बों की, स्लैब वगैरह की। और ये देखिए मैंने अब बचा दिया सारा सामान साफ़ करके, मेरा गैस देखो, क्योंकि अब मैंने बहुत देर लगाई है, 4-5 घंटे लग गए हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये साफ़ सुथरी रसोई कैसी लगी है, पहले भी आपने किचन देखा था सारा पहले। देखिए बच्चे स्कूल से आ गए हैं, पहले मेरी रसोई साफ नहीं हुई है अभी, क्योंकि आज मैं पूरा दिन हो गया रसोई को साफ करते करते, और माँ लक्ष्मी सच में कहते हैं ऐसे ही नहीं आती, बहुत मेहनत होती है, तो इसलिए कर रहे हैं मेहनत माँ लक्ष्मी को बुलाने की, साफ सफाई कर रहे हैं अपनी साफ सफाई। अब बीच में छोड़ के इनके लिए खाना बनाती हूँ, फिर दोबारा से लगूंगी। मम्मी वो 250 रुपीज लेके जाने का, किस चीज के? बोर्ड की फीस 150 रुपए, बोर्ड की फीस है 50 रुपए, हमारी उसके सीट वगैरह के 50 रुपए चीज के हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली रसोई हो गई है साफ, और आपने देखा था कि मैं जब अंशु और गुड्डू स्कूल गए थे तब मैंने रसोई का सामान निकालना शुरू किया था, और अब अंशु गुड्डू स्कूल से आ गए, उनको खाना भी दे दिया है मैंने, तब तक मेरी रसोई साफ हुई है। और बोलते हैं कि औरतें घर में करती क्या है, घर का ही तो काम है, और देखो घर के काम में ही पूरा दिन लग गया, पूरा दिन एक एक चीज़, एक एक डब्बा, एक एक चम्मच फिर से साफ करके और फिर से लगाने में मेरे को 4-5 घंटे लग गए। और साफ सफाई तो वैसे हम रोज ही करते हैं, पर दिवाली की सफाई तो स्पेशल होती है, तो स्पेशल सफाई में 4-5 घंटे तो लगते हैं। तो अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, चाय पीऊंगी। तो आप बताना आपको मेरा किचन कैसा लगा, और अब गर्मी में भी बहुत बुरा हाल हो गया, अक्टूबर आ गया है और गर्मी इतनी है कि पसीना पसीन हो गई, और पंखा चलाया तो पंखे में भी मसाले उड़ रहे थे, तो वो पंखा भी मेरे को बीच में ही बंद करना पड़ा, और आज तो गर्मी में मर गए, पूरे दिन आराम भी नहीं करा, और अब चाय पीती हूँ और थोड़ा आराम। जी बना रहे हैं अब रोटी, क्योंकि आज सुबह से तो थक गए थे, काफ़ी काम किया आपने देखा कि आज तो पूरा दिन रसोई साफ करने में चला गया, और थोड़ा थकावट भी हो गई, तो चाय पी के थोड़ा देर लेट गए थे, अब आगे की वीडियो नहीं बना पाए। और अब बना रही हूँ रोटी, आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाया खाने में, आज सिर्फ दाल है और रोटी है, तो बच्चों को आज रात को दाल और रोटी खिलाऊंगी। अंशुमन भी अभी आया, क्रिकेट खेलने चला गया था अपने दोस्तों के साथ, तो आते ही कह रहा हूँ मम्मा भूख लग रही है खाना बना दो। और गुड्डू चढ़ा ली कवर बेटा, मम्मी सिर्फ एक नोटबुक की रह गई है, एक नोटबुक की रह गई है, कर ले फिर, बना रही हूँ मैं रोटी पे। हाँ कर
कर लिया अपना कंप्लीट। और स्कूल से मैडम का फोन भी आ गया है, अंशुमन का कल आधार कार्ड अपडेट करवाना है, तो मैडम का भी फोन आ गया था सुबह। फिर आज तो मैंने बोल दिया था कि मैम आज तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज तो मैंने पूरा घर बखेर रखा है, आज तो ऐसे मैं नहीं जा पाऊंगी, फिर कल जाएंगे अंशुमन का आधार कार्ड अपडेट करवाने, क्योंकि इसके बोर्ड में जो कागज सबमिट होंगे इसके, तो उसमें मैम बोल रही है कि इसके जो छोटे की फोटो है ना, ये उसमें अगर वहाँ आगे नहीं दिखाना, क्योंकि अभी 14 साल का हो गया है, तो अगर आगे वो शो नहीं हुई अब वाली रियल फोटो, तो इसके फार्म उल्टे आ जाएंगे, तो इसके लिए अब जाना पड़ेगा कल। आज तो नहीं गई, कल जाना पड़ेगा, फिर तो 2 दिन की छुट्टी हो जाएगी, शनिवार की और इतवार की, तो इसलिए फिर कल जाएंगे। आज वैसे ज़्यादा मैंने सुबह ही सोच लिया था कि आज रसोई साफ करनी है, क्योंकि आज वीरवार था, कपड़े धोने नहीं थे, तो आज सुबह ही मन में कर लिया था जब उठी थी जब, कि भाई आज तो कपड़े धोने हो, आज तो मैं रसोई साफ करनी ही करनी है, क्योंकि फिर शनिवार को अमावस्या है, फिर नवरात्रे शुरू हो जाएंगे और फिर टाइम मिलेगा, क्योंकि मैं पूरे नवरात्रे करती हूँ, मैं और शर्मा जी हम पूरे 9 करते हैं, तो व्रत के टाइम में तो वैसे ही ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं होती, घर का ही डेली का काम इतना हो जाता है कि साफ़ सफाई फिर पूरे दिनों व्रत करेंगे तो फिर साफ़ सफाई तो नहीं होगी। और अंशु ले जा रोटी बेटा, मूली काट ली? हाँ जी काट ली, मूली काट रहे हैं बेटा, पापा काट रहे हैं। ना प्लेट पे तो देख के दाल बनाई है, कटोरी इसको ही ज्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि क्रिकेट खेल के आया था और रात ही घर में घुसते ही मम्मा भूख लग रही है खाना बनाओ, क्योंकि ट्यूशन पे जाता जब भी बस थोड़े बहुत बिस्कुट वगैरह ही खा के चला जाता है, आधा घंटे का सारा ही टाइम मिलता है इसको स्कूल से आने के बाद, 2:40 तक ये आता है और 3:15 बजे तक ये ट्यूशन का टाइम है इसका, तो बस फटाफट कपड़े चेंज करता है और थोड़ा बहुत कुछ इसका खाने का मन होता है तो थोड़ा बहुत ही खाता है, आके खाना तो नहीं खाता ये। अब इसके लिए मैंने जल्दी बनाई नहीं इतनी जल्दी, चाट मसाला कहाँ पे है ये, आप भी खाओ भाई हमारी दाल रोटी। मक्खन निकाला है? मक्खन निकाला है, हाँ मैं ट्यूशन जाने पर नहीं, फिर घी ना बनाए ना, मक्खन ही निकाला है, जो घी बनाती हूँ जब आती तेरे को बदबू, मक्खन भी नहीं आती। रूखा ले, रूखा ले ले, इसको मक्खन बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ा खट्टा होगा, कल तक निकाला था ना, आज मेरे टाइम नहीं लगा घी बनाने का, आज घी नहीं बनाया, तो इसकी वजह से आज जल्दी खाना बनाना पड़ गया, नहीं अभी इतने 8:30 बजे मैं खाना बनाती हूँ, इतनी जल्दी हम खाना खाते नहीं है, तो कल भी सुबह काम वाम करके और जाना पड़ेगा इसको स्कूल। एक बार स्कूल में जाएंगे, मैम से पूछेंगे कि इसके पूरे जो डॉक्यूमेंट है वो सही है या नहीं है, कुछ और भी कमी है तो फिर अभी बता दो, क्योंकि अगर बाद में बताओगे तो हाथों हाथ तो कोई होगा नहीं सारी चीजें, तो अब कल पहले इसके स्कूल जाएंगे, पूछेंगे सारा सब कुछ कंप्लीट है या नहीं है, अगर कुछ कमी है तो फिर अभी बता दो, क्योंकि एक एक चीज के लिए तो बार बार फिर जाया भी नहीं जाता, तो कल आधार कार्ड तो अपडेट करवाना ही करवाना है, बाकी अगर इसके कुछ और भी डॉक्यूमेंट अगर रह रहे हों तो वो भी मैम बता दे हमको, वो भी अच्छे से सबमिट करवा दे देख के, नहीं तो बाकी अगर बाद में अगर इसके फार्म वगैरह उठे आ गए तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, 1 साल खराब हो जाएगी बच्चे की। गुड्डू रोटी खा ले बेटा, हो गए ये देखो, एक ये पांडा वाली और एक रैबिट वाली, सबको दिखाओ कैसे बेटा डाय कवर, मैंने हैंडमेड कवर बनाया है नोटबुक के, ये करती रहती है, ये रैबिट वाला जो कि जीके नोटबुक है मेरी, और ये पांडा वाला जो कि मेरी एप्पल नोटबुक है, मतलब फाइनेंस लेटर। और आप भी अपने बच्चों की जाकर नोटबुक पे कवर चढ़ाओ तो गुड्डू के जैसे ही चढ़ाना है ना गुड्डू,
अच्छा लग रहा है बेटा। अच्छा है, कुछ ना कुछ सीख ही तो रही है। कॉफी पेंटिंग बनाने कह रही थी, मैं बनाऊंगी कल, बना के दिखाऊंगी सबको। कल बनाएगी, कल बनाएगी। आज तो है थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे, फिर संडे को मैं बनाऊंगा महादेव जी की पेंटिंग। एक पिछले संडे बनाए थे हनुमान जी की, इस बार बनाऊंगा महादेव जी की पेंटिंग। महादेव जी की संडे को पेंटिंग बनाएगा? हाँ, टाइम ही नहीं मिलता मम्मी, बहुत ज्यादा पढ़ाई का वो हो गया। हर संडे की संडे लिखने का काम, पढ़ाई भी जरूरी है, याद करने का काम अलग। क्लास बड़ी हो गई बेटा, पढ़ाई भी जरूरी है। एक पीरियड खाली मिलता है, उसमें भी कुछ नहीं कर पाते, उसमें भी नीचे बैठ के कंप्यूटर में सिर्फ लिखते रहते हैं। आगे आगे बेटा पढ़ाई है ही, अब पढ़ाई आगे आगे वो भी ज्यादा ही होगी बेटा, कम नहीं होगी। मम्मी पापा रोटी मांग रहे, डाल दे बेटा, बस डाल दे। बनाती हूँ खाना और उनको देती हूँ फटाफट। तो खाना वाना खा लिया है जी, और आज थोड़ा थकावट हो गई क्योंकि आज जो है रसोई साफ करी थी, और रसोई 4-5 घंटे रसोई साफ करने में लग गए, और निरमा से जो मैंने रैक वगैरह बर्तन साफ किए उससे हाथों में भी कट लग गए और खून निकल आए। अब कई दिन तक तो परेशानी होगी बर्तन वगैरह साफ करने में, कपड़े धोने में, पर करनी तो साफ सफाई तो करनी ही थी। और आज की वीडियो का बस यही एंड करते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। गुड नाइट, जय श्री कृष्णा।